तो ये देख रहे हैं आप जो आईटी के अभ्यर्थी जिस तरह से शिमला में डटे हुए हैं, आज विधायक सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा पहुंचे हैं।
अगर परिवार की किसी व्यक्ति नागरिक सर हम ये जहाँ घूमते हैं आज उनके बच्चे सर फेसबुक पर स्टोरियाँ डाल रहे हैं आराम से घूम रहे हैं। उमा आजाद भी बेल पे है जो मुख्य आरोपी थी उनने अपने बच्चों को दे दिया पेपर अपने रिश्तेदार को एक को दे दिया। हमने तो बड़ी मेहनत से पास किया था ना सर पेपर हमें क्या पता था। अगर अब मैंने तो पहले भी बोला था आप भी सर बार बार बोलते कि अब कल को क्या बोलते अगर विधानसभा में या किसी ऑफिस में तो बैठ पाए जाएंगे तो क्या बंद कर दिया जाएगा। ये सॉल्यूशन नहीं है सर। हमारा तो स्किल हो चुका है स्किल का रिजल्ट आउट हो चुका है उसके बाद डीवी की पेंडिंग है। हम आपके साथ आपकी बात विधानसभा के अंदर भी उठा रहे हैं बाहर भी उठा रहे हैं बाहर भी देखते आ रहे हैं हमें पता है। हम चाहते हैं कि आपको इस मुद्दे से जुड़ी नौकरी मिले और बार बार इस बात को हम लोग कह रहे हैं नहीं तो बच्चे हैं बाहर के थोड़ी हैं सर। पूरे हिमाचल प्रदेश को सबको लग गया पता सर हमारे पिछड़ा पीड़ा सबको दिखाई दे रही है। 12 दिन हो गया हमारे को यहाँ बैठे हुए दो तीन बार काफी लटे हैं। हमें खुद एडमिट होया हुआ था परसों शुगर लेवल मेरा डाउन हो गया था चक्कर आ गया सर यहाँ पे हेडेक मेरे को बहुत ज़्यादा हो रही थी कल शाम को भी मैं यहीं पे था।
घर में मेरे पेरेंट्स परेशान हैं। हम चाहते कि सरकार न्याय करे, रिजल्ट घोषित करे, हम सरकार के साथ है, परंतु एक बार रिजल्ट घोषित करें तो न्याय तो दे हम लोगों को। हमने बड़ी उम्मीदों से सरकार को बनाया, बड़ी उम्मीदों से। आपका तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने बड़ा सहयोग किया है हमारे साथ। हमारे माता पिता बोलते हैं यदि आपके लिए हमारे घर उनका हम एहसान जिंदगी बने बोलते हैं। चुनाव के टाइम हमने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था सर, जो हमारे को डोनेशन खाने का मन ही नहीं कर रहा सर। कल सर ये बेड लाई, ये मेरे हाथ में डोनेशन से हम पैसे जब पानी नीचे घुस गया तो डोनेशन से पैसे खर्चे करते हैं। सर हम तो सर पूर्ण रूप से आश्वस्त थे जब चुनाव के टाइम हमारे को वादे किए गए सर। उससे पहले सर हम हाई कोर्ट खेलते रहे, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट को खेलते रहे, सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा मैटर सॉल्व हो गया। अब विजिलेंस का भाना करके हमारे को खिलाया जा रहा है, बस पता नहीं कब सर हमारी जिंदगी में पता नहीं कब अच्छे विजिलेंस के नाम पे लटकाया हुआ है सर। हमारे 5-6 साल ऐसे सर उनमें FIR भी नहीं है सर। राजा साहब होते, हम राजा साहब को बहुत मिस कर रहे हैं आज। अगर वो होते देखो उसमें कंडीशनल ज्वाइनिंग दी गई 556 उसमें भी कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दी गई है, तो हमें भी कंडीशनल ज्वाइनिंग दे सकते हैं। जहाँ पे कंडीशनल ज्वाइनिंग मिल चुकी है इसमें से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अब सर रिटर्न में देने के लिए तैयार है। अगर हम गलत दोषी पाए जाते हैं तो हमें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अब यहाँ इतने सारे आए हैं सर, कभी आए होंगे क्योंकि हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। बोला कि जो लोग दोषी है उनको बाहर कंडीशनल ज्वाइनिंग दे सकते हैं, क्योंकि जो ये प्रोसेस है इंक्वायरी की बड़ी लंबी प्रोसेस है और सालों साल तक हम वेट नहीं कर सकते। यही गल है ना भाई, कहाँ जाना पूछा कारो अब तो सर मालिक पे विश्वास है, मालिक के करीब दे रहे हैं सबसे ज्यादा खड़े होके कर मैम थोड़ा सर को आप बट आप उससे रजाई को हटा देंगे थोड़ी देर के लिए बस ठीक लो, कोई देखना। हाँ, दो कान डाल क्या कर रहे हो देख लो ना हम कहाँ वहाँ पे बैठे डाउन रखना भाई फेस में ना है। और डाउन रख दो और नीचे करो क्या नाम आपका और नीचे सर्किट सर्किट आप देखो ना यार कहाँ अभ्यर्थियों से आप आज मिलने आए हैं, क्या आपने आज इनको आश्वासन दिया? देखिए नहीं दिया है, सदन के अंदर इनकी बात को रखेंगे और बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का प्रदेश के अंदर है, पहले भी रहा है आज भी विकराल समस्या बेरोजगारी प्रदेश के अंदर है देश के अंदर है। और जब पिछला चुनाव हुआ था तो अधिकांश जो बेरोजगार हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, आज सत्ता तक पहुँचाया है सरकार है, तो जो इनकी के रिजल्ट जो हैं और जो इनको ज्वाइनिंग देनी है इसका जो प्रोसेस है इसको
जल्दी पूरा करके इनके साथ न्याय होना चाहिए। और शुरू से इनकी मांग का समर्थन हम लोग करते आए हैं। राणा जी ने तो खुला पत्र भी लिखा था जो आप सबने पढ़ा ही है, तो इसीलिए आए थे कि भी इनसे आकर के व्यक्तिगत रूप में मिल लें और अच्छे से इसको समझ लें, कितनी पोस्टें हैं, क्या है, और गवर्नमेंट जो आई हैं वो क्या हैं, ताकि इसको सही तरीके से सदन के अंदर रखें। सर कहाँ कमी लग रही, क्योंकि आप भी सरकार में, सरकार ना तो बच्चों का सुन रही है ना आप लोगों का सुन पा रही, क्योंकि आप भी कई बार कह चुके हैं। नहीं, मैंने तो पहले कहा कि कैबिनेट में जब ले गए थे तो उसके बाद क्या हुआ और क्या कारण बन गए हैं एकदम से। एश्योरेंस भी है, करना भी चाहते हैं, तो फिर क्या बीच में पेंच फंसा है। तो आज सदन के अंदर राणा जी उठाएंगे तो वास्तु स्थिति का पता लगेगा जवाब में। जी सर, आप तो कई बार पत्र भी लिख चुके हैं और अब तो बच्चे भी संघर्ष पर उतर आए हैं, आज भी आप मुद्दा उठाने वाले हैं, क्या लग रहा है सरकार क्यों जो है नहीं सुन पा रही है इन बच्चों का? देखिए, आज ये बच्चे जो हैं यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि जब भी किसी के साथ अनजस्टिस होता है वो लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट कर सकता है, और बच्चे कर रहे हैं। ये हमारे हिमाचल के बच्चे हैं, कोई बाहर के बच्चे नहीं हैं। और मुझे लग रहा है कि जैसे कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉपी हमें दी है कि 9 नवंबर 2023 को फैसला आया है कि इनके पक्ष में जो है, तो सरकार को चाहिए कि तुरंत इस इनकी जो नियुक्तियां दी जाए। जैसे कि इन्होंने विवरण दिया है, लगभग 2711 पोस्टें ऐसी हैं जो अभी भरनी है, जिनके पेपर हो चुके हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने अपनी व्यथा बताई है कि कई ऐसे नौजवान बच्चे हैं जिनकी शादियां होनी थी, शादियां टूट गई कि नौकरी नहीं है, तो इसलिए इनकी पेशेंस लेवल जो है वो टूट रहा है। हम चुने हुए व्यक्ति हैं, चुने हुए व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम सत्ता पक्ष से हैं, और सत्ता पक्ष का ये मतलब ही नहीं है कि आप लोगों की आवाज़ ना सुने या ना उठाएं। हम इनकी आवाज़ पहले भी उठाते रहे, विधानसभा के अंदर भी उठाई है, बाहर भी उठाई है, खुले मन से उठाई है, खुले पत्र के माध्यम से उठाई है। आज भी आपके सामने बोल रहे हैं कि इनके साथ जल्दी से जल्दी जस्टिस होना चाहिए। अगर जब पहले से ही ये प्रथा है, प्रैक्टिस है कि, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर ऐसा मामला कोई पाया जाता है तो उसमें आप कंडीशनल अपॉइंटमेंट लेटर किसी को दे सकते हैं। अगर वो उसमें कुछ लिप्त पाया जाता है तो उसको जो है अपॉइंटमेंट लेटर रद्द कर दिया जाएगा, उसकी नियुक्ति जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, ओवर एज हो रहे हैं, इनकी चिंता है, इनके पेरेंट्स की चिंता है, तो प्रदेश में प्रदेश के अपने बच्चे हैं, तो हम लोग नहीं चिंता करेंगे तो कौन करेंगे? इसलिए आज विधानसभा में फिर इस मामले को उठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री से फिर निवेदन करेंगे कि इनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। लगभग 5000 बच्चे ऐसे पोस्टें हैं जो इंतजार कर रहे हैं। अभी इन्होंने जो विवरण दिया है कि JOIT 1867 पोस्ट हैं, JOIT 903 कोड 83 पोस्ट हैं, JOIT 939 कोड 300 पोस्ट हैं, क्लर्क 962 कोड 83 पोस्ट हैं, ड्राइंग मास्टर 980 कोड 300 पोस्ट हैं, और स्टेनो जो है 928 कोड जो है 66, और इसके बाद मार्केट सुपरवाइजर ये 12 पोस्ट है। इसके अलावा JBT की 1161 पोस्ट हैं जिनकी सारी काउंसलिंग हो चुकी है, TGT की 800 पोस्ट हैं, लगभग 5000 के करीब जो बच्चे जिनको नौकरी मिलनी है, अलग अलग विभागों में पोस्टें खाली पड़ी हैं। मैं इनका भी मामला उठा रहा हूं, और जो करुणामूलक आधार पर जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, जिनके पेरेंट्स में से फादर चले गए, मदर चले गए, किनके कोई पेरेंट्स लेस हो गए, उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार नहीं देगी तो कौन देगी? इसलिए हम लोग सरकार में हैं और सरकार से फिर जाके बीच में बैठ के बात। सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है और सरकार ये करेगी, कानूनी जाँच हो रही है, तो आप ये भी डिमांड करेंगे कोई टाइम बाउंड हो, अगर जाँच भी अगर आप करें तो उसका टाइम बाउंड हो, ये भी आज उठाएंगे? निश्चित तौर पर बजट स्पीच है, उस बजट स्पीच में हम लोग बोलेंगे इसके लिए टाइम बाउंड जो है वो किया जाए, टाइम निश्चित किया जाए, ताकि जो बच्चे धरने पे बैठे हैं कि इनकी चिंता दूर की जाए। सरकार नहीं चिंता करेगी तो कौन करेगा? सरकार जो है वो इनको कंडीशनल जो है वो ज्वाइनिंग दे दे। पहले भी ऐसा होता रहा है, और इसमें पहले सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है, अन्य प्रदेशों में भी हुआ है, और जो जांच चल रही है चलती रहेगी, लेकिन इनको ज्वाइनिंग जो है वो मिल जाएगी। राजेंद्र जी, हिमाचल प्रदेश में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि कहीं ना कहीं उम्र पर निर्धारित होती है, लेकिन कई बच्चों की यहाँ पर उम्र निकल चुकी है, क्या सदन में बच्चों की उम्र के लिए या फिर कुछ उम्र भी बढ़ी है नौकरियों को लेकर के? खास निश्चित तौर पर हम बात करेंगे कि